हाय स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ वेक्टर। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड टॉपिक वेक्टर, एंड इन दैट लेक्चर वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। Now the most important point that is the collinear and non-coplinear vectors. तो इनको पहले define करते हैं coplinear और collinear vectors क्या होते हैं। So first we will see collinear vectors. Types of vectors में हमने देखा है collinear vectors are the vectors either in same direction or in parallel direction. So collinear vectors, अब इनके algebraic condition भी देखेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स विच आर आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। सो हियर आई हैव दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन सेम डायरेक्शन। सो दिस इज माय केस फर्स्ट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है। नाउ आई टेक द यूनिट वेक्टर ऑन वेक्टर ए, सो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बार इज ए कैप। यूनिट वेक्टर द हैविंग यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, एंड आई विल राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सो दैट इज वेक्टर बी कैप विच विल बी गिवन बाय बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी कैप। सो हियर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए कैप, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर बी कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब ए और बी की डायरेक्शन सेम है, तो ए कैप और बी कैप ये दोनों यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन भी सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। तो यहाँ ए कैप और बी कैप की डायरेक्शन सेम है क्योंकि ए और बी की डायरेक्शन सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो बोथ दिस वेक्टर्स आर इक्वल। So here a cap is a vector upon mod of a vector and b cap vector is b vector upon mod of b vector. So I can write mod of b vector into a vector minus mod of a vector into b vector equal to zero vector. अब यहाँ पे मुझे ऐसा relation मिला है, so mod of b bar ये magnitude है, तो इस magnitude को मैं x consider करता हूँ, that is the scalar. मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें x कंसिडर करता हूँ, x इंटू ए, ये माइनस a बार, a इज a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, माइनस a वो भी स्केलर हो गया, तो इसे मैं y कंसिडर करता हूँ इंटू b बार इक्वल टू जीरो बार। तो इफ a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स देन वी गेट द रिलेशन एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए डायरेक्शन इस फर्स्ट केस में मैंने सेम डायरेक्शन में लिया था, अब सेकंड केस कंसिडर करेंगे, केस टू, ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। केस टू, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो हियर नाउ हियर ए कैप इट्स a vector upon mod of a vector and b cap vector is b vector upon mod of b vector. Okay, लेकिन a और b opposite direction में है, अब a vector की और b vector की direction opposite में है, तो उनके unit vector की direction भी opposite होगी, magnitude same होगा लेकिन direction opposite होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा था a cap equal to b cap, Now we have to write a cap equal to minus b cap. Are you getting or not?
ए कैप और बी कैप दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो बोथ आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, इसलिए ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप. सो हियर अगेन ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, सो मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू जीरो. अगेन जैसे मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ बी बार को एक्स लिखा था, सो एक्स इंटू ए प्लस दिस इज मॉड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, वाई इंटू बी इक्वल टू जीरो. ओके, तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट लिखने का है. इफ ए एंड बी आर कोलिनियर आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वी हैव दिस रिलेशन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स एंड दिस स्केलर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये ऐसा रिलेशन हमें मिला है, एक्स और वाई जीरो है. अगर एक्स और वाई कोई भी हम स्केलर्स कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस 3b इक्वल टू जीरो, तो इसे देख के हम बता सकते हैं a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स. a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर, कोई भी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन. एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर a एंड b, एंड इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन x एंड y आर नॉट जीरो. देन इफ एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट. तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, कोई भी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसीलिए उसे कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. सो कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या रिजल्ट देखने का है. सो वी हैव एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, सो आई कैन राइट. अब ध्यान दीजिए, मैंने कोलिनियर वेक्टर की एक कंडीशन बोली थी, ए वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, तो कैसे आता है. सो एक्स ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वाई बी वेक्टर, एंड हियर ए वेक्टर इज माइनस वाई बाय एक्स इंटू बी वेक्टर, सो एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, सो ए वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर. सो इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, देन द वेक्टर्स आर कोलिनियर. तो यहाँ से भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. सो अब इनके रिजल्ट्स हमें कैसे ध्यान में रखने के हैं. तो आपको कोलिनियर वेक्टर समझ में आए होंगे, इफ़ एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स एंड वाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन द वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर. एंड उसमें ऐसा रिलेशन हमें मिलता है, ऐसा एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, एक्स एंड वाई कोई भी स्केलर होने दो, ऐसा रिलेशन मिलता है, लीनियर रिलेशन मिलता है, इसलिए उसे कहते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. अब नॉन इसका रिजल्ट हमें कैसा लिखने का है, आप प्लीज़ नोट कीजिए. इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, सी दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स एंड वाई such that x a plus y b equal to 0, x a plus y b equal to 0, if a and b are collinear vectors such that x a plus y b equal to 0, then
x is not equal to 0, y is not equal to 0. This point is to be noted. Agar a and b are collinear vectors and xa plus yb equal to 0, x and y are any scalars, then x is not equal to 0, y is not equal to 0. क्योंकि अगर हमें x इक्वल टू जीरो लेते हैं, y इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं. तो लीनियरली डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं. अब नॉन कोलिनियर वेक्टर के बारे में क्या होगा, अब देखते हैं हम नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. नाउ सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. सो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली इनडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो गए. शेयर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. ओके सो शेयर दिस इज अबाउट द कोलिनियर वेक्टर. दिस पॉइंट इज अबाउट द कोलिनियर वेक्टर. आप इसे नोट कीजिए. इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, y is not equal to 0. अब नॉन कोलिनियर वेक्टर देखिए. सपोज दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b. दिस वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल. दे आर नॉट पैरेलल. पैरेलल नहीं है. इनमें कुछ तो भी एंगल है थीटा. तो पैरेलल कब होते, इफ़ दे आर इन सेम पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, उनका एंगल एक तो 0 होगा या 180 होगा. सो नाउ दिस वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. सो a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. ओके लेट हम ऐसा कंसिडर करते हैं एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो. ऐसा अपने पास समझो एक रिलेशन है सच दैट एक्स एंड वाई आर स्केलर, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो. एक्स एंड वाई आर स्केलर्स. तो एक्स ए इक्वल टू माइनस वाई बी बार. सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन डिवाइड बाय एक्स. सो बाय डिवाइडिंग बाय इक्वेशन बाय एक्स टू दिस इक्वेशन, आई हैव कंसिडर्ड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो ए वेक्टर इज माइनस वाई बाय एक्स इंटू बी वेक्टर. तो यहाँ से एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, तो मुझे मिलेगा ए इक्वल टू के टाइम्स बी. सो वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर. सो इट मीन्स ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स. तो ऐसा ये कंडीशन कोलिनियर वेक्टर की है, लेकिन हमें दिया है ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर. तो अपना जो एजम्पशन है, मैंने जो एजम्पशन किया था एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट एजम्पशन इज रॉन्ग. सो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस एजम्पशन इज रॉन्ग. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव वाई इज इक्वल टू जीरो. तो मुझे नॉन कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या लिखने की है. अब ये हो गई कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन. इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, देन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो. कोलिनियर फैक्टर के लिए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो है, तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं. इसलिए इसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो कोलिनियर वेक्टर्स, अब कंफ्यूज होने का नहीं है, एक ही शॉर्ट में आपको ध्यान में रखने का है कि कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो नोट दिस टू पॉइंट्स. कोलिनियर है एंड एक्स ए प्लस वाई भी जीरो है तो नॉट इक्वल टू जीरो. नॉन कोलिनियर है एंड एक्स ए प्लस वाई भी जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो. सो दिस वाज अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स. आपको पॉइंट समझ में आया होगा. अब इसे वन मोर कंडीशन इज देयर. एक कंडीशन हमने देखी है इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन ए इक्वल टू के टाइम्स बी. ए इक्वल टू के टाइम्स बी, के इज अ स्केलर. दूसरी कंडीशन भी हम देख लेंगे एंड यूजिंग दैट कंडीशन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन कोलिनियर वेक्टर्स. सो इफ ए एंड बी आर
इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स देन ए बार इक्वल टू के टाइम्स बी बार, दिस इज वन कंडीशन. एक वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर. एंड सेकंड कंडीशन इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर. तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखने की है. फिर अगर आपको वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, इफ आई हैव द वेक्टर ए ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, और मेरा वेक्टर बी है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, एंड इफ दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन सेकंड कंडीशन. तो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, ए बार इक्वल टू के टाइम्स बी बार, एंड सेकंड कंडीशन इज ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो. तो कोलिनियर वेक्टर अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो हम ए भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होते हैं. सो इफ दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन ए वन बाय बी वन इक्वल टू ए टू बाय बी टू इक्वल टू ए थ्री बाय बी थ्री. ओके, सो राइट डाउन दिस कंडीशंस ऑफ कोलिनियर. सो कोलिनियर वेक्टर्स आर, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ ए एंड बी आर कोलिनियर एंड एक्स ए प्लस वाई बी जीरो, देन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो. इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो. कोलिनियर है तो स्केलर मल्टीपल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तो कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में हो गए. सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर्स, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कोप्लेनर वेक्टर्स. सो हियर नाउ द नेक्स्ट टाइप जिसको मुझे आपको एक्सप्लेन करने का है, दैट इज़ द कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर. सेम ही कंडीशन है जैसे हमने अभी देखा है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर, वैसा ही होता है कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर. तो कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन में हमने देखा था, द वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन और द वेक्टर्स लाइंग इन द पैरेलल प्लेन्स आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स. वो तो हो गई डेफिनेशन. तो उसे अल्जेब्रिक कंडीशन क्या होगी, जैसे कोलिनियर वेक्टर की अल्जेब्रिक कंडीशन हमें क्या मिल गई, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ए इक्वल टू के टाइम्स बी, ऐसा कभी है तो ए एंड बी कोलिनियर. तो ऐसी कंडीशन हमें चाहिए कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए. सो वी आर नाउ सीइंग कोप्लेनर वेक्टर्स. सो अगेन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. ओके, अगेन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, सिमिलरली कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट. तो लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होते हैं, ओके तो देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, ये सपोज ए एंड बी आर, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस इज ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, बोथ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. ए एंड बी नॉन कोलिनियर है, ए एंड बी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में एक वेक्टर है ओ पी वेक्टर, एंड दैट वेक्टर इज आर वेक्टर. ओके, नाउ द वेक्टर्स ए बी आर आर कोप्लेनर. ए बी आर दिस थ्री वेक्टर्स क्या हुए, कोप्लेनर. फिर से देखिए ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, एक ही प्लेन में है, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, एनी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. दो पॉइंट कभी भी कोलिनियर हो सकते हैं, ए पॉइंट इसमें से लाइन पास हो सकती है, कोलिनियर हो गए. एक वेक्टर दूसरा है कोई भी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में
हमेशा होते हैं, सो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो ए एट बी नॉन कोलिनियर है लेकिन एक प्लेन में है। उसी प्लेन में मैंने एक तीसरा वेक्टर लिया है आर बार, तो ए बी आर लाइज इन द सेम प्लेन, तो कोप्लेनर हो गए। अब इनका रिलेशन मुझे कैसा बनाने का है, सो दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, ओके। अब मैं यहाँ से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, आई एम कंप्लीटिंग दिस पैरेललोग्राम। लेट दिस पॉइंट इज यम, लेट दिस पॉइंट इज यन, ओके। ये थ्योरम है लेकिन मैं पूरा स्टेटमेंट पूरा स्टेप्स नहीं लिखा रहा हूँ, फिर सिर्फ आपको कैसे रिलेशन बनता है कोप्लेनर वेक्टर्स का वो समझा रहा हूँ। नाउ दिस वेक्टर ओ एम वेक्टर एंड ओ ए वेक्टर आर कोलिनियर। ओ एम वेक्टर एंड ओ ए वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ओके। एक ही डायरेक्शन है दोनों की, तो कोलिनियर है तो ओ एम वेक्टर विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ओ ए वेक्टर। ओ एम वेक्टर विल बी सम स्केलर, सो दैट लेट दैट स्केलर इज एक्स टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर, एक्स टाइम्स ओ ए वेक्टर, सो इट इज एक्स ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये ओ एन वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, तो दोनों कोलिनियर हैं। ओ एन वेक्टर एंड दिस ओ बी वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर ऑल्सो कोलिनियर, सो देयरफॉर ओ एन वेक्टर मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ ओ एन वेक्टर, सो लेट दैट स्केलर इज वाई, सो वाई इन टू दिस ओ बी वेक्टर, तो ये बन गया वाई टाइम्स बी वेक्टर। अभी जबकि ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ पी वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, ओ एम प्लस ओ एन वेक्टर विल बी इक्वल टू वॉट, ओ पी वेक्टर। एंड मैंने यहाँ पे ओ पी वेक्टर क्या लिया है, आर वेक्टर। अब ओ एम वेक्टर क्या है, एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर क्या है, y into b vector. Now the condition is very clear. a and b are non-collinear but coplanar. उसी plane में मैंने एक third vector लिया था r, a, b and r vector are now coplanar. अगर coplanar है तो r equal to xa plus yb. यानी r vector is expressed as linear combination of a and b. तो important condition to be noted for coplanar vectors. For coplanar vectors, if a, b, c are coplanar vectors, then any one of them can be expressed as linear combination of other two. Are you getting or not? A B and R vector are collinear, so R bar is XA plus YB and this is the linear combination of A and B. तो आर बार इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है तो इसमें से कोई भी एक वेक्टर बचे हुए दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। यानी सपोज ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी एंड सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, टू बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर। अगर ऐसा है एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन अगर यूनिक है तो वी कैन ईजिली से दैट द पॉइंट्स सॉरी वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की ये कंडीशन है, इफ़ वन वेक्टर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ़ वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। तो अब यहाँ से रिलेशन मिल गया। अब लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हुए, तो इसीलिए तो हुए रिलेशन। तो देखिए एक्स ए प्लस वाई बी माइनस आर वेक्टर, माइनस आर वेक्टर, तो ये प्लस जेड लिख देता हूँ, ये माइनस वन को प्लस जेड लिख देता हूँ, इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है, एक्स वाई जेड
आर द स्केलर्स, कुछ तो भी लीनियरली रिलेशन बना है इसलिए इसे कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब बारी आती है कोप्लेनर वेक्टर, आपको समझ में आया होगा इफ़ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। अब कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे हमने अभी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के देखे हैं। सो सीआर दैट टू रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से नोट करने के हैं और उसे ध्यान में रखने का है, सीईटी एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। अब देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्ट और नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्ट में कैसे ध्यान में रखने का है। ओके सो सीयर फर्स्ट इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स एंड एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये स्केलर्स जीरो नहीं होने चाहिए, अगर ये जीरो नहीं होंगे देन ओनली एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, और ऐसा होगा तभी ये वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अब नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्ट देखिए, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जेड सी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कैसे आता है, जैसे हमने नॉन कोलिनियर को मैंने आपको प्रूफ दिखाया था, अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सो लेट ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, लेट ए बी सी वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर है और मेरे पास ये रिलेशन है, आई हैव दिस रिलेशन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो। ओके सो आई कैन राइट एक्स ए इक्वल टू माइनस वाई बी वेक्टर माइनस जेड सी वेक्टर। अब मैं कंसिडर करता हूँ सपोज और लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो आई कैन डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स, सो दिस बिकम्स ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स बी वेक्टर प्लस माइनस जेड बाय एक्स सी वेक्टर डिवाइडिंग बाय एक्स। सो दिस ए वेक्टर तो एक्स एंड वाई स्केलर, ये भी स्केलर है, सो लेट दिस इज लैम्डा टाइम्स बी एंड लेट दिस स्केलर इज म्यू टाइम्स सी। सो हियर ए बार वेक्टर इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। अब भी मैंने एक्सप्लेन किया था इफ द वेक्टर्स आर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। सो हियर ए वेक्टर इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, तो इसका मतलब हुआ ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। लेकिन हमने अजूम हमें क्या दिया था, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, हम देख रहे थे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। तो अपना दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स बट इट इज़ गिवन दैट ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। सो अवर एजम्पशन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस एजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयर फोर एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वी कैन प्रूव वाई इज नॉट वाई देयर फोर एक्स इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव वाई एंड जेड आर ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर कोप्लेनर सेम टाइप में बैठते हैं, नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर भी सेम टाइप में बैठते हैं। सो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर आपको समझ में आया होगा एंड दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कोप्लेनर इज दिस, इफ दिस नॉन कोप्लेनर इज दिस, इफ दिस यस। So this was the point
ऑफ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। एंड जस्ट जैसे मैंने बोला था कि कोलिनियर वेक्टर्स की अल्जेब्रिक कंडीशन, और भी मैंने बोली थी वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज जीरो। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए भी हमने, आपने बोर्ड में पढ़ा होगा, दैट कंडीशन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन कोप्लेनर वेक्टर। इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज व्हाट? ए डॉट बी क्रॉस सी इज जीरो। सो दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। So these were the points, important points, all about collinear and coplanar vectors. So okay students, we will stop here and again we will meet with the next point on the vectors. Okay, goodbye.